दिल्ली में होने वाले G20 शिखर सम्मेलन के मद्देनजर चीन ने अपनी जो सदिच्छा जताई है, अगर वह इस पर अमल को लेकर भी गंभीर होता है तो यह एक सकारात्मक पहल होगी। विडंबना यह है कि अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर अपनी घोषणाओं और सरोकारों के प्रति चीन को शायद ज्यादा ईमानदार होने की जरूरत है। दरअसल G20 शिखर सम्मेलन की कामयाबी के लिए चीन ने सभी पक्षों के साथ मिलकर काम करने को लेकर सहमति जाहिर की है। निश्चित रूप से इस सम्मेलन से पहले चीन की और आया संदेश एक उम्मीद जगाता है कि दुनिया के ज्यादातर देश जिस सहयोग और शांति के सपने के साथ एक दूसरे के साथ मिलकर नए रास्ते तैयार करने की कोशिश में लगे हैं, उसमें और मजबूती आएगी। यों चीन का दावा है कि वह G20 समूह को उच्च महत्व देता है और प्रासंगिक गतिविधियों में सक्रिय रूप से हिस्सा लेता रहा है। हालांकि इस बार नई दिल्ली में होने वाले आयोजन में पहले चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के आने की संभावना थी, लेकिन अब वे इसमें शामिल नहीं होंगे। उनकी जगह वहां के प्रधानमंत्री ली क्विंग चीन की नुमाइंदगी करेंगे। दरअसल G20 के सम्मेलन की सफलता को लेकर चीन के संदेश की अहमियत यह जरूर है कि उसने भारत की मेजबानी का समर्थन किया है और सभी के साथ मिलकर काम करने के लिए तैयार होने की बात कही है। लेकिन अगर केवल भारत के लिहाज से ही देखें तो पिछले कुछ समय से चीन ने जैसा रवैया अख्तियार किया हुआ है वह अपने आप में यह दर्शाता है कि उसकी कथनी और करनी के बीच एक बड़ा फासला है। उदाहरण के लिए हाल ही में संपन्न ब्रिक्स सम्मेलन में भारत के प्रधानमंत्री के साथ चीन के राष्ट्रपति के मुलाकात के बाद यह उम्मीद बंधी थी कि सीमा पर नियंत्रण रेखा पर चल रहे विवाद और चीन की अन्य हरकतों पर लगाम लगेगी।
स्टॉप।